गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का चैप्टर हमने पोएम पढ़ा था, द रोड नॉट टेकन। आज हम लोग उसी बुक का, बीहाइव का ही फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टोरी जो है, ये जो चैप्टर है, ये एक्चुअली एक इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे ये इसका जो सेटिंग है इस कहानी का, वो फ्यूचर में बेस्ड है। फ्यूचर जब इज़ैक, रिटन बाय इज़ैक एसिमोव उस टाइम क्या इमेजिन किए होंगे कि फ्यूचर के स्कूल्स कैसे रहेंगे। फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे वो शायद अभी जैसे हम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो क्लास जाते हैं, जिस तरह हमारे बुक्स होते हैं, वो फ्यूचर में काफ़ी अलग होगा। बहुत बहुत कुछ बदल जाएगा उस वक्त। तो ये एक इमेजिनेशन करके, ये सोच करके इन्होंने एक कहानी लिखा है, और इसका सेटिंग जो है वो फ्यूचर में है। तो आप अपना बुक अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज में ही आपको एक कुछ पिक्चर दिखाई देगा। ठीक है, उस पिक्चर में बीच में देखिए आप लिखा हुआ है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, और चार एरोज बनाए हुए हैं। फर्स्ट एरो जो है वो क्या दिखा रहा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे वो कैसे होंगे, तो वो वहाँ पे लर्निंग यानी कि पढ़ाई जो है वो किसके थ्रू होगी, कंप्यूटर्स के थ्रू होगी। ठीक है, दूसरा है वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम्स कैसे होंगे, जैसे अभी हम लोग कोरोना की वजह से काफ़ी हद तक इस फ्यूचर को कुछ हद तक हमको लगता है कि कवर कर चुके हैं, क्योंकि अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो एक तरह का वर्चुअल क्लासरूम है। वर्चुअल क्लासरूम वहाँ पे ऐसे आमने सामने कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, जो अभी भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये वर्चुअल क्लासरूम अभी हम लोग फिलहाल यूज़ कर रहे हैं इस कोविड पीरियड में। एंड देन है रोबोटिक टीचर। अब एक नई चीज़ है यहाँ पे कि वहाँ पे इंसान नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, कौन होगा वहाँ पे, रोबोटिक टीचर्स होंगे। ठीक है, टीचर जो होगा वो एक रोबोट होगा, कोई आदमी नहीं होगा वहाँ पे टीचर। एंड देन द लास्ट एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि अभी हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं, एक बुक लेकर के पढ़ रहे हैं हाथ में, है ना। बट उस टाइम फ्यूचर जो राइटर जिस फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त क्या होगा, मूविंग ई टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट है वो हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये फ्यूचर भी हम लोग कुछ हद तक इस फ्यूचर पे भी पहुंच चुके हैं, है ना, क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फ़ोन में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, टैब में पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं, तो उसमें टेक्स्ट मूव ऑब्वियसली मूव करते हैं, मूविंग ई टेक्स्ट होता है वो सब कुछ। तो ये जो चारों चीज़ें फर्स्ट पेज में आपको दिखाई दे रही है, ये इन्हीं चारों चीज़ों को लेकर के ये पूरी स्टोरी है। इन्हीं चारों चीज़ों में जो हम कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई करेंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे फ्यूचर में, इन सभी चीज़ों को इमेजिन करके और ये स्टोरी लिखा गया है। आप देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। हम लोग जो स्टोरी ये पढ़ने जा रहे हैं इसका सेटिंग क्या है, फ्यूचर में है, है ना, ये फ्यूचर में स्टोरी कही जा रही है। When books and schools, as we know now know, them will perhaps not exist. तो वो क्या लिखा है कि जैसे फ्यूचर में क्या होगा कि शायद जो बुक्स अभी हम लोग देख रहे हैं, जो किताब से पढ़ रहे हैं, और जो स्कूल्स हम जैसा जानते हैं, वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, सब कुछ बदल जाएगा। How will children study then? तो उस वक्त वैसा अगर माहौल हो जाए कि स्कूल नहीं है, किताबें नहीं हैं, तो उस वक्त बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो ये जो डायग्राम था हमारा, जिसको अभी हम एक्सप्लेन किए, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, तो ये चार तरह का एग्जाम्पल दिया गया है हम लोगों को, आइडियाज दिया गया है कि जब स्कूल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो ये सभी चीजें होंगी, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे, एंड मूविंग ई टेक्स्ट होगा। ओके, तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। इतना समझ में आया सबको, स्टोरी का सेटिंग क्या है?
ओके, जो स्टोरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ये स्टोरी जो है ये दो बच्चों की है, ठीक है, दो बच्चे हैं मार्गी एंड टॉमी। तो इन दोनों को कुछ मिलता है, कुछ अजूबी, एक अजूबा सा चीज मिलता है जिसको देख करके दोनों काफी शॉक्ड भी रहते हैं और बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो कौन सी चीज मिलती है वो आगे पता चलेगा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। तो ईयर कौन सा है, ये डेट क्या है मार्गी के डायरी में? 17 May 2157। एंड वी आर लिविंग इन, हम लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? 2021 में, है ना? और ये स्टोरी कहाँ का सेटिंग, कहाँ, कौन से ईयर का है? 2157 का, ठीक है, 17 May 2157। यानी कि आज से लगभग 100 साल के बाद, 100, 120, 130 साल के बाद का क्या होगा सिचुएशन, कैसे होंगे उस टाइम स्कूल्स, बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, ये चीज हम इस स्टोरी में देखेंगे। एंड मार्गी एक कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस हुआ है अभी तक, मार्गी एक लड़की है और वो अपने डायरी में कुछ लिखती है। तो एज वी ऑल नो कि डायरी में हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, ऐसी चीजें जो हम लोगों को बहुत अलग लगी, जो याद रखना चाहते हैं हम लोग किसी दिन के बारे में, उसको हम क्या करते हैं, अपने डायरी में एंट्री करते हैं। तो मार्गी ने भी वही किया, अपने डायरी में कुछ लिखा और पेज पे उसने डेट दिया। डेट कौन सा था? 17 May 2157, ठीक है। और क्या लिखती है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, रियल बुक। रियल बुक से क्या मतलब है उसका यहाँ पे? वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, एक असली किताब, है ना, एक्चुअल किताब किसको मिला? टॉमी को मिला। एक्चुअल किताब यानी कि ये जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये रियल बुक है, है ना। तो वो उस वक्त उसके फ्रेंड को, टॉमी को, एक किताब मिलती है। तो वो उसको बहुत अलग लगता है ऑब्वियसली, उतने साल के बाद जब सिचुएशन ऐसा रहेगा कि क्लासेस भी वर्चुअली होंगे, टेक्स्ट भी हम लोग कंप्यूटर्स में पढ़ रहे होंगे, किताब कोई देखा नहीं होगा, उस वक्त अगर एक किताब मिल जाए किसी को आज से 100-150 साल के बाद, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों के लिए, है ना। तो इस चीज को उसने, मार्गी ने अपने डायरी में एंटर किया, ठीक है, लिखा। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So, जो किताब मिली वो काफी पुरानी किताब थी, और Margie के grandfather, है ना, मतलब उसके दादा के दादा ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो क्या था, उस वक्त सारी जो कहानियां हैं वो पेपर पे प्रिंटेड होती थी, जैसे कि अभी प्रिंटेड हैं, है ना, हमारे बुक्स में, पेपर्स में प्रिंटेड होते हैं स्टोरी। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ये बात बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो उस वक्त किताबें कैसी होती थी, तो पेपर पे प्रिंटेड होती थी, है ना। दे टर्न्ड द पेजेस, तो उनको किताब मिली है टॉमी एंड मार्गी को, और वो लोग उसको देख रहे हैं चारों तरफ से, और वो पेज पलटते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो किताब के जो पेजेस थे वो कैसे थे, पीले हो गए थे, जैसे अभी भी आप देखोगे कहीं पे लाइब्रेरी में किसी, कोई पुरानी किताब अगर आपको मिले तो आप देखना उसके पेजेस जो है वो धीरे धीरे येलो हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, एंड क्रिंकली, और मुड़े हुए थे, है ना, काफी पुरानी किताब है तो वो कैसे हो गए थे, पेजेस उसके पीले हो गए थे और मुड़े मुड़े पेजेस थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो वो ये दोनों बच्चों को, मार्गी को एंड टॉमी को, जब ये दोनों इन बुक्स को देख रहे हैं तो ये इनके लिए काफी फनी है, जब पढ़ रहे हैं उसको तो ये बहुत फनी लग रहा है, उन लोगों को हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि जो वर्ड्स है, द वर्ड्स आर नॉट मूविंग, जो पेपर पे जो प्रिंट है वर्ड्स,
वो हिल नहीं रहे हैं कहीं पे, क्योंकि अब ये चीज इन लोगों को फनी क्यों लग रही है, क्योंकि इनका आदत क्या हो गया, वो हमने पहले ही पेज में देखा कि ये कैसे पढ़ाई करते हैं, मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे टेक्स्ट जो है वो मूव करते रहता है, ठीक है, पेजेस भी वहीं पे पलटते हैं अपने आप, और वो लोग वहीं से पढ़ते हैं, स्क्रीन पे पढ़ते हैं। तो जब वो पेज में पढ़ रहे हैं उन सारे वर्ड्स को, तो उनको बहुत हंसी आ रही है कि ये जो वर्ड्स है ये हिल नहीं रहे अपनी जगह से, वहीं पे स्टिल है। एंड देन व्हेन दे टर्न पेज टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो और एक और चीज क्या है लोगों को फनी लग रहा है, कि जब इन्होंने पेज पलटा, जब से ये इस पेज को खत्म किया और फिर से वापस दोबारा सोचे कि नहीं पहले वाले पेज पे देखते हैं, तो वो हंस रहे देख करके कि पहले वाले पेज में वही सारे वर्ड्स हैं जो पहले थे, वो कहीं इधर उधर गए नहीं, ठीक है। तो ये चीजें इन दोनों बच्चों को क्या लग रही है, बहुत हंसी आ रही है देख करके, बहुत फनी लग रहा है कि वर्ड्स एक तो हिल नहीं रहे हैं, दूसरा पेज पलटने पर सारे वर्ड्स वही के वही है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो टॉमी क्या बोलता है, ये तो वेस्ट है। वेस्ट कैसे है कि जब आप एक बार पूरी किताब को पढ़ लो तो किताब को क्या करोगे आप, फिर फेंक दोगे, आपके पास फिर उस बुक का कोई काम ही नहीं रहेगा। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। और क्या बोलता है, हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, तो वो लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, वो लोग एक टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू पढ़ाई करते हैं, वो बुक्स उन्होंने देखा नहीं है। तो वो बुक देख करके बोलते हैं कि मतलब अगर इस पूरे किताब को अगर इंसान पढ़ जाए तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको फेंक देगा। आखिर क्या करते होंगे किताब का जब एक बार पूरी तरह पढ़ लें। और वो क्या बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है ना, जो उनका कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, वो उनको ज्यादा बेटर लग रहा है। और वो क्या सोच रहे हैं कि उसमें तो कितनी सारे किताबें पहले से ऑलरेडी लोडेड हैं और अभी भी उसमें काफी जगह है कि उसमें और भी बुक्स आ सकते हैं, तो उस कंप्यूटर स्क्रीन को, टेलीविजन स्क्रीन को तो हम कभी नहीं फेंकेंगे। लेकिन अगर एक किताब हमारे पास रहेगी और हम उसको पूरी तरह पढ़ लें, तो फिर उस बुक का क्या काम, फिर हम उसको फेंक देंगे। तो ऐसा ये दोनों बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। जो लोग अभी अभी आए उनको एक बार रिविजन करा दे रहे हैं। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, द फन दे हैड, और ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में, सेटिंग इसका फ्यूचर का है, ठीक है। जो राइटर है इन्होंने एक टाइम इमेजिन किया है कि जब कुछ सालों के बाद जब किताबें नहीं होंगी, जब स्कूल्स नहीं होंगे, जैसे जनरली अभी स्कूल होते हैं, तो फिर उस वक्त बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उन्होंने एक इमेजिनेशन की दुनिया बनाई है, एक सेटिंग है, और दो बच्चे हैं, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी ने डायरी में कुछ लिखा और क्या लिखा, दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक, है ना, टॉमी को एक रियल असली का किताब मिला है। तो और उसी किताब को ये दोनों बच्चे देख करके और उसको पेजेस पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इन किताबों को कैसे पढ़ते होंगे लोग, ये तो वर्ड्स भी इसके मूव नहीं करते हैं, पहले वाले पेज पे वही वर्ड हैं जो पहले थे, वो चेंज भी नहीं हो रहे हैं। और ये जो एक बार किताब को पढ़ ले तो उसके बाद इस किताब का क्या काम, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ पूछना हो तब माइक ऑन करिए आप, ठीक है। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So Margie kitne saal ki hai? Margie is 11 years old. Hai na? And Tommy is 13 years old. Okay. मार्गी एंड टॉमी, तो मार्गी क्या बोलती है कि हाँ सही बात है, हम भी अपने टेलीबुक को कभी नहीं फेंकेंगे। कैसे फेंकेंगे, उसमें ऑलरेडी बुक है और बहुत सारे बुक्स अभी उसमें और डाले जा सकते हैं।
And she's 11 and she hadn't seen as many telebooks as Tommy had. So Margie उतना ज़्यादा telebooks देखी भी नहीं है जितना Tommy देख चुका है. Because Tommy is elder, है ना? Tommy इससे बड़ा है. Obviously वो उससे senior class में होगा और उसने ज़्यादा किताबें देखी होंगी, telebooks. जो future है, अभी हम अपनी किताबों को क्या बोलते हैं? Book बोलते हैं. And in future where Margie and Tommy are living, इस टाइम पे ये लोग अपने किताब को क्या बोलते हैं? टेलीबुक्स, है ना? बुक, ये एक्चुअल पेपर बुक नहीं है उनके पास, स्क्रीन है, टेलीविजन स्क्रीन है और उसी में सारी किताबें डाली हुई है और वो लोग उसी से पढ़ाई करते हैं. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. तो वो टॉमी से पूछती है कि तुमको मिला कहाँ ये किताब. इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दी एटिक. तो वो क्या बोलता है कि हमको कहाँ मिला, तो ये किताब कहाँ मिला, ये किताब घर पे मिला, एटिक पे, जहाँ स्टोर रूम होता है, एक रूफ के अंडर में जो छत होता है घर का, उसके नीचे में एक स्टोर रूम टाइप का होता है, उसको एटिक बोलते हैं. तो क्या बोलता है कि वो ये वहाँ पे रखा हुआ था, एटिक पे रखा हुआ था, वहीं पे हमको मिला. व्हाट्स इट अबाउट, पूछती है कि ये किताब किस चीज के बारे में है, टॉपिक मतलब क्या इस किताब में लिखा हुआ है. तो वो क्या बोलता है, स्कूल. किसके बारे में है? स्कूल के बारे में लिखा हुआ है इस किताब में. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. तो जब मार्गी को पता चलता है दैट दिस बुक इज अबाउट स्कूल, तो सोचती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए आखिर किसी के पास क्या हो सकता है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई हेट स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तो वो मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शी हेट स्कूल. और क्या वो और भी ज्यादा अभी हेट कर रही है, क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, सो इन फ्यूचर टीचर के जगह पे क्या वो है उन लोगों के पास, मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर यानी कि वो लोग रोबोट से पढ़ाई करते हैं, है ना? रोबोट्स उन लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है? तो मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है, उसको बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट उसका ले रहा है और वो बार बार टेस्ट दिए जा रही है और टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रही है, है ना? तो इसीलिए उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है. और इसीलिए दैट हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली, उनकी मम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है. एंड शी सेंट हर टू द काउंटी इंस्पेक्टर. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. अब ये फोर्थ वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ पे जो ही है, ये काउंटी इंस्पेक्टर के लिए यूज हुआ है. यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. बट ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स. तो कैसा था ये काउंटी इंस्पेक्टर? एक छोटा सा आदमी था, उसका फेस कैसा था? रेड था. और उसके पास टूल्स थे, बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स थे और उसमें बहुत सारे तार वगैरह थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट. तो वो जब मार्गी उस अपने टीचर को, मैकेनिकल टीचर को लेकर के जाती है काउंटी इंस्पेक्टर के पास, तो वो क्या करता है, उसको एक एप्पल देता है एंड उसके टीचर को लेकर चला जाता है. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So Margie apne wo mechanical teacher ko lekar ke jati hai aur wo sochti hai ki maybe county inspector ko nahi pata ho ki ye isko kaise theek kiya jaye to acha hoga, ye rakh le isko apne paas, humko padhaya hi nahi ki fir padhna nahi padega. But kya hota, wo jaldi se ek ghante mein usko theek karke and he gives the teacher to Margie. और उसके बाद वो बहुत खुश बिल्कुल नहीं होती, बहुत दुखी हो जाती है. एंड देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा एंड ब्लैक कलर का था एंड इट वाज नॉट ब्यूटीफुल विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन.
और कैसा था वो जो मैकेनिकल टीचर, एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था उसके मैकेनिकल टीचर पे, और सारे जो चैप्टर्स थे वो सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो उस स्क्रीन पे शो होता था, एंड एग्जाम भी कैसे वो लोग देते थे, टेस्ट कैसे होता था, तो क्वेश्चंस भी स्क्रीन पे फ्लैश होते थे और फिर ये बच्चे एग्जाम देते थे. एग्जाम वो भी पेपर पेन पे नहीं देते थे, वो उसी पे उसी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आता था और वो लोगों को आंसर वहीं करना होता था. दैट वाजंट सो बैड. द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. तो ये इतना तो बुरा नहीं था, बट सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता था, सबसे ज्यादा खराब स्लॉट कौन सा लगता था मार्गी को, कि वो वाला स्लॉट जहां पे उसको अपना होमवर्क डालना होता था. ओके, तो शी डिडंट लाइक डूइंग होमवर्क्स एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. तो ये लोग बचपन से ही, व्हेन शी वाज 6 years old, इसको एक कोड सिखाया गया था, है ना. जैसे हम लोगों को, हम लोग जब छोटे बच्चे थे, 4 years, 5 years, 3 years, तो हम लोग क्या सीखना शुरू करते हैं, क ख ग ए बी सी डी. एंड ये जब 6 साल की थी तो इसको एक कोड सिखाया गया जिसके थ्रू वो अपना होमवर्क मैकेनिकल टीचर में अपना अंदर मतलब पुट कर सकती है, एंड देन मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और हम लोग एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, एग्जाम देते हैं, वेट करते हैं रिजल्ट का लगभग 1 महीने, उसके बाद रिजल्ट आता है, हमें हमारा मार्क्स पता चलता है. और वहां पे क्या था, बस डाला अपना टेस्ट और मैकेनिकल रोबोट है वो, तो मैकेनिकल टीचर है वो, तुरंत मार्क्स कैलकुलेट करके सामने फ्लैश कर देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. तो जो टीचर है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो क्या बोलता है मार्गी की मदर को, दैट इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ योर डॉटर, कि वो बार बार फेल हो जा रही थी ज्योग्राफी के टेस्ट में, बट इट इज एक्चुअली सम फॉल्ट इन द टीचर, कुछ उस मैकेनिकल टीचर में ही कुछ खराबी थी, जो बार बार वो टेस्ट लिए जा रहा था. और दोज थिंग्स हैपन समटाइम, क्या बोलता है, ऐसी चीजें, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. देन ऑब्वियसली ये मशीन है, कोई इंसान तो है नहीं, मशीन है, मशीन में ऑब्वियस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ही. हमारा फोन कभी कभी खराब हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, उसी तरह उनका टीचर, मैकेनिकल टीचर जो है, उसमें कुछ एरर आ गया था और वो बार बार टेस्ट लिए जा रहा था ज्योग्राफी का, जिसमें मार्गी अच्छा नहीं कर पा रही थी. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. तो वो क्या बोलता है कि मैंने इसे धीमा कर दिया है, एंड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और लगभग 10 साल का एज के एवरेज में इसका लेवल सेट कर दिया है मैकेनिकल टीचर का. तो उसी लेवल, मतलब मार्गी जितने साल की है उसी एज लेवल का वो क्वेश्चन सब उससे पूछेगा. एंड ओवर व्हाट डज ही से, वो बोलता है कि एंड मार्गीज ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, वेरी सेटिस्फैक्ट्री. और उसने एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, पैटेड मतलब उसका पीठ, हेड को ऐसे थपथपाते हैं. मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. तो मार्गी बिल्कुल भी खुश नहीं, शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल. वाई? बिकॉज वो क्या सोची थी, दैट दे विल टेक द टीचर फॉर एटलीस्ट 1 month. क्योंकि एक बार क्या हुआ था, दैट टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कुछ फॉल्ट था, और उसको उन्होंने लगभग 1 महीने के लिए रख लिया था. तो 1 महीने के लिए टॉमी को पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी, स्कूल नहीं था, ऑब्वियसली टीचर नहीं है, मैकेनिकल टीचर नहीं है, देन हाउस कैसे स्कूल जाएगा वो लोग, तो स्कूल नहीं था. देन मार्गी ये चीज सोच करके बहुत खुश थी, दैट मेरे टीचर में भी ऐसा फॉल्ट आ गया है तो ये लोग कम से कम 1 महीने के लिए रख लेंगे. एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद टॉमीज टीचर, टॉमीज टीचर द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट था, उसके उसके अंदर जो हिस्ट्री सेक्टर जो था, हिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे
वो क्या हो गए थे, ब्लैंडर, वो कंप्लीटली इरेज हो गए थे, हट गए थे वहां से. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो इन सब रीजन से मार्गी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी अपने स्कूल से, टीचर्स से, उसको पसंद नहीं था स्कूल. तो इसीलिए वो फिर पूछती है टॉमी से कि तो अगर स्कूल इतना बुरा होता है तो स्कूल के बारे में वो कोई क्यों लिखेगा किताब में. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो टॉमी फिर थोड़ा इतरा करके विद अ सुपीरियर आई से, ऐसा नहीं है बिकॉज दे हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल देन. क्यों लिखा किताब स्कूल के बारे में किताब में, क्योंकि हमारे जैसे स्कूल्स नहीं थे उनके पास उस टाइम, स्कूल थोड़े अलग थे. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. एंड व्हाट डज टॉमी से कि ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है. ये स्कूल कैसे थे, काफी अलग थे, करीब 100 साल पहले. एंड ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. एंड मे बी ही हैड लर्न्ड अ न्यू वर्ड सेंचुरीज. तो वो बहुत उस पर जोर दे करके बोलता है दैट सेंचुरीज अगो जो स्कूल्स थे वो हमारे स्कूल से काफी अलग थे. मागी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर. तो मार्गी को अच्छा नहीं लगता है और वो क्या बोलती है कि हाँ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो दैट किस तरह के स्कूल्स थे उन लोगों के पास. और उसने शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और कुछ थोड़ा थोड़ी देर तक उसने किताब को पढ़ा. एंड देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर. जो भी है वो स्कूल जैसा भी था उनका, बट उनका उनके पास भी तो टीचर होंगे ना, दे हैड अ टीचर. Sure they had a teacher, but is what it wasn't a regular teacher, it was a man. So kya bolta hai Tommy, that surely the teachers the unke paas, but regular teacher. What does he mean here by regular teacher? Regular teacher means the mechanical teacher, hai na? Regular unka regular teacher kya hua, mechanical teacher, robot. So wo kya bolta hai ki un logo ke teacher the, but it was a man, not a robot. A man, how could a man be a teacher? So Margie is surprised now. Ki man matlab kaise ho sakta hai teacher, ek insaan kaise padha sakta hai. Well, he just told the boys and the girls things and gave them homework and asked them questions. So wo kya batata hai ki wo sare students ko homework deta tha, unhe padhata tha. Us time ke jo teacher the wo padhate the, homework dete the and उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ. तो मार्गी का ये रिएक्शन क्या है, दैट एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो किसी को पढ़ा सकता है. श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर. तो टॉमी क्या बोलता है, नो ऑब्वियसली इंसान को कैसे नहीं आ सकता है. मैन इज स्मार्ट एनफ बिकॉज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे फादर को भी उतनी सारी चीजें पता है, उतना कुछ आता है जितना मेरे टीचर को आता है. टीचर यानी मैकेनिकल टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. तो वो बोलता है कि वो आई एम श्योर वो उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है. Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. So then Maggie ka reaction kya hai, okay teacher to the, but I don't want any strange man. Koi anjaan aadmi ko hum apne ghar mein nahi chahte ki wo mere ghar mein aaye aur humko padhaye. Tommy screamed with laughter and Tommy starts laughing. Wo hansne lagta hai. And what does he say? You don't know much Maggie, the teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. So, वो फिर हंसने लगता है एंड क्या बोलता है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, टीचर्स जो है वो घर पे नहीं रहते थे, किसी के घर पे नहीं रहते थे. There was a separate building for that. एक special building होता था school के लिए and सारे बच्चे वहां जाते थे. And all the kids went there and all the kids learned the same thing. And all the kids learned the same thing. तो मार्गी फिर पूछती है कि तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे.
श्योर इफ दे वर द सेम एज, देन टॉमी क्या आंसर करता है कि यस, अगर वो एक ही एज के हैं, सेम क्लास में हैं, देन ऑब्वियसली दे विल लर्न द सेम थिंग. बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. क्या बोलता है कि ये मार्गी क्या बोलती है कि मेरी माँ क्या बोलती है, मदर मेरी माँ बोलती है दैट अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. एक टीचर जो है उसको इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो एक हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से, हर एक बच्चे के लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से अपने आप को सेट कर सके. एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. तो हर एक बच्चे को थोड़ा अलग हर एक बच्चे का पढ़ने का अपना तरीका अलग होता है, सीखने का लेवल अलग अलग होता है, तो सबको उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए. ये कौन बोलता है? मार्गीज मदर. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. तो टॉमी का रिएक्शन क्या होता है? ओके, ऐसा ही था उस टाइम, ऐसे ही लोग होते थे, ऐसा ही टीचर्स था. इफ यू वॉन्ट टू रीड देन रीड, अदरवाइज लीव इट. देन मार्गी क्या बोलते हैं? नो, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू रीड अबाउट स्कूल एंड रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. स्कूल्स को क्या बोल रही है? फनी स्कूल्स. वाई फनी स्कूल्स? बिकॉज उस टाइम जो पैटर्न था पढ़ने का वो ऐसा नहीं था हमारे अभी जैसा है. हमारे पास स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल वहाँ पे टीचर्स हैं. वो उस टाइम जो फ्यूचर सेटिंग है जो स्टोरी का, उस टाइम ऐसा नहीं था. सब कुछ अलग था. मैकेनिकल टीचर्स होते थे, पढ़ाई भी उनके घर पे ही होती थी. तो ये चीज इसको थोड़ा फनी लग रहा है. सिमिलरली जैसे अभी हम ये चीज पढ़ रहे हैं, हम जैसे मैंने बताया कि टीचर जो थे वो मैकेनिकल टीचर थे. हिस्ट्री का सेक्शन खराब हो गया तो उसको ले जा करके ठीक किया गया. फिर ज्योग्राफी का सेक्शन खराब हो गया टीचर का तो उसको ले जा करके ठीक किया गया. तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों को कैसी लग रही है? फनी लग रही है. तो सिमिलरली उस टाइम पे मार्गी को भी ये, अभी जो हम जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें हैं हमारे पास, स्कूल्स है, तो ये सारी चीजें सोच करके फनी लग रही है. बिकॉज शी इज नॉट लिविंग इन दिस एरा, शी इज लिविंग इन ईयर 2157, है ना. तो शी इज फ्रॉम फ्यूचर, शी इज लिविंग इन फ्यूचर, और इसलिए ये सारी चीजें उसको काफी फनी लग रही है. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. So, उन्होंने किताब को आधा ही पढ़ा था और उसकी माँ आवाज देती है. Margie's mother called her, calls her, and क्या बोलती है वो? That it's time for your school. अब school का time हो चुका है, and probably it is also time for Tommy to go to school. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? And Margie is interested in the book. उसको स्कूल के बारे में जानने में अच्छा लग रहा है. So वो टॉमी से पूछती है कि क्या हम पढ़ सकते हैं तुम्हारे साथ after school? Maybe, he said non-calantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. तो वो he responds like, हाँ maybe पढ़ सकती हूँ. और उसके बाद फिर वो बुक को अपने आम के नीचे टक करके दबा करके एंड ही गोज टू हिज स्कूल. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. तो इनका स्कूल कैसा है? एक स्कूल रूम है उसी घर में, अपने ही घर में. एंड कहाँ पे है? जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के बगल में एक स्कूल रूम है. And the mechanical teacher was on and waiting for her. And the mechanical teacher जो है वो that was on, वो ready था पढ़ाने के लिए and waiting for her, उसके लिए wait कर रहा था मागी के लिए. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. और ये timing क्या था? Timing हमेशा एक ही था except Saturday Sunday. Saturday Sunday को वो time नहीं होता था school का, और बाकी दिन
मंडे टू फ्राइडे एक ही टाइम पे स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है, एंड स्कूल जब होता था तो क्या करना होता था, वो लोगों को जस्ट निकल के अपने रूम से बगल के रूम में जा करके पढ़ाई करना होता था। हमारे जैसा नहीं कि अपने घर से निकलो चल के आओ उतने दूर स्कूल, ये सारी चीजें नहीं थी, बस घर के अंदर में ही रूम के बगल में एक स्कूल था। बिकॉज हर मदर सेड द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और सेम टाइम पे क्यों था, क्योंकि उसकी मम्मी क्या बोलती थी कि जो छोटी बच्ची हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो अच्छा कब सीख पाते हैं, जब वो एक ही रेगुलर आवर्स पे एक कंटिन्यूएशन में सीखे, मतलब एक रूटीन बना रहे कि इसी टाइम पे डेली डेली पढ़ना है, तो वो ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, तो स्कूल में जाते हैं एंड जैसे हम अभी स्कूल जाते हैं वहां पे टीचर्स होते हैं, तो वो जब अपने स्कूल रूम में जाती है तो सामने उसका मैकेनिकल टीचर होता है, एंड इट वॉज ऑन, है ना, वो ऑन रहता है एंड जो स्क्रीन है उस पर शो करते रहता है। स्क्रीन लिट अप, स्क्रीन ऑन था, एंड व्हाट इट सेड, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और जैसे हम जाते हैं तो हमारे टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइन बनाओ, फिर असेंबली होगा, फिर क्लास में जाओ, फिर क्लास में आने के बाद जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं दैट यस्टरडे वी रेड दिस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस, और अपना होमवर्क दिखाओ, ये सारी चीजें अभी हम स्कूल जाते हैं तो होता है। बट जब मार्गी जाती है अपने स्कूल के अंदर तो वहां पे क्या देखती है कि टीचर है एंड स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है कि आज का लेसन क्या होगा, आज अर्थमेटिक का लेसन होगा और हम लोग एडिशन सीखेंगे, फ्रैक्शंस का एडिशन सीखेंगे, एंड प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कल का आपका जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. So Margie is not happy. वो क्लास में अपना स्क्रीन के पास बैठे रहती है एंड क्या सोचती है कि उस टाइम के बारे में जब उसके grandfather's grandfather, when he was a school boy, he was a little boy, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard, sitting together in the school room. So, वो एक जो किताब पे में उसने जो पढ़ा, जो कहानी पढ़ी कि पहले के स्कूल्स कैसे होते थे, तो वो वही सोचती है कि जब मेरे दादा के दादा जब छोटे बच्चे थे तो वो कैसे स्कूल जाते होंगे, जब वो एक बिल्डिंग में जाते होंगे जहाँ पे नेबरहुड के आस पड़ोस के सारे बच्चे वहाँ आते होंगे लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल कैंपस में सब हंसते चिल्लाते रहते होंगे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और अपने अपने क्लासरूम में स्कूल में सब साथ में बैठते होंगे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ जब स्कूल खत्म होता होगा तो एक साथ वो सभी अपने घर जाते होंगे, दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, एंड व्हाट इज वो क्या इंटरेस्टिंग लगता है उसको एक चीज, दैट वो लोग स्टूडेंट्स जो थे वो एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे, एक ही चीजें पढ़ते थे, इसलिए मे बी वो लोग एक दूसरे का हेल्प भी कर पाते होंगे पढ़ाई में, क्योंकि वो सारी चीज सभी एक ही चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि जब आपस में पढ़ते होंगे साथ में तो एक तो साथ में मजा भी आता होगा, एंजॉय करते होंगे लोग क्लासरूम में, उसके बाद छुट्टी के बाद सब साथ में घर जाते होंगे और एक दूसरे की मदद भी कर देते होंगे पढ़ाई में, एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें अभी होती हैं, तो जो फ्यूचर में अगर ऐसा इफ द व्हाट द राइटर इज इमेजिनिंग, अगर ये सच हो जाता है, ऐसा सच में होता है, देन एक्चुअली बच्चे फिर यही सारी चीजें सोचेंगे, अगर एक्चुअल बुक उनको पता चले कि अभी के टाइम पे क्या हो रहा था, और ये सारा इमेजिनेशन राइटर का अगर सही होता है तो obviously it will be funny to read about schools and the situation, the era in which we are living today, and the teachers were people, and what's more interesting for Margie ki jo teachers hai wo they were people, wo they were not robots, hai na, mechanical teacher nahi the, Margie sochti hai us time mechanical teacher nahi the, unko to log padhate the aapas mein, insaan hi padhata tha. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions,
तो और ये सारी चीजें वो सोच रही है, और तभी उसका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है कि फ्रैक्शन मतलब एडिशन का एक क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है अपने स्क्रीन पे. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. तो मार्गी अपने स्क्रीन पे ना देख करके, स्कूल टीचर को ना देख करके, वो इस इमेजिनेशन में है, वो सोच रही है कि उस टाइम पे कितना मजा आता होगा जब स्कूल जाया करते थे लोग, एक बिल्डिंग होता था अलग से, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे. तो वो सोच रही है कि उस समय बच्चे कितना अपने स्कूल को कितना ज्यादा पसंद करते होंगे, और वो सब भी चीजें सोच रही है कि वो लोग कितना मस्ती करते हैं, कितना फन होता होगा उनके लिए स्कूल में जा करके पढ़ना. तो ये सारी चीजें वो मार्गी सोच रही है, और जो उसका टीचर है उसी टाइम वो एक क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द फन दे हैड. तो समझ में आया चैप्टर पूरी तरह से? यस और नो? अनम्यूट कर सकते हो बोलने के लिए? यस. समझ में आया? सो हाउ ओल्ड इज मार्गी? 11 ईयर ओल्ड. 11 इयर्स ओल्ड. ओके, इट इज रिटन ऑन द बोर्ड. एंड हाउ ओल्ड इज टॉमी? 13 ईयर ओल्ड. 13 इयर्स ओल्ड. ओके. और वो कौन से दोनों बच्चे जो हैं कौन से साल में हैं अभी? ये जो स्टोरी है ये कौन से ईयर, किस कौन से ईयर की बात हो रही है यहाँ पे? 21,057. तो ये आज से लगभग 120-130 साल के बाद का बात हो रहा है यहाँ पे, लगभग 136 years after. और ये जो स्टोरी है ये लिखा हुआ भी काफी पहले का है ना? अभी अब इस साल तो नहीं लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है. तो ये जो स्टोरी हम लोग पढ़े अभी, जो मैकेनिकल टीचर एंड वर्चुअल क्लासरूम जो फर्स्ट पेज में था, फिर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है सारी चीजें पढ़ने के लिए, क्या लगता है आपको, कुछ कुछ हद तक, कुछ लेवल तक हम लोग इस फ्यूचर में एंटर कर रहे हैं या नहीं? पता नहीं. अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ये एक ऐसा क्लासरूम है, ये भी तो वैसा ही है. हाँ, वैसा ही वर्चुअल क्लासरूम है ये भी. तो हम लोग कुछ लेवल तक जो हम लोग आप फर्स्ट पेज में देखोगे, जो फर्स्ट पेज में जो डायग्राम बना हुआ है कि कैसा कैसा क्लासरूम होंगे, तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर लिखा हुआ है बीच में, एंड फर्स्ट एरो जो है वो दिखा रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. तो आई थिंक ये तो चल रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी जो पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ रहे हैं हम लोग. लर्निंग जो पढ़ाई हो रही है ये कंप्यूटर के थ्रू हो रही है. वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम कैसे हैं अभी कोरोना में, हम लोग क्या कर रहे हैं क्लासरूम? स्कूल तो जा नहीं पा रहे सारे बच्चे, है ना? स्कूल जब बंद था अभी कोविड के वजह से, तो स्कूल तो कोई जा नहीं पा रहा है. क्लासरूम कैसा मिल रहा है उन लोगों को? वर्चुअल. टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, बट सेम रूम में नहीं है, वो इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये क्लासरूम कैसा है? वर्चुअल क्लासरूम अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं वर्चुअल क्लासरूम में. रोबोटिक टीचर, टीचर बस एक यहाँ पर डिफरेंस है दैट क्लासरूम इज वर्चुअल बट टीचर इज नॉट अ रोबोट. टीचर क्या है अभी? रोबोट नहीं है. एंड मूविंग ई टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है जो हम लोग किताब में टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो कैसा उस टाइम पे दिखा, इस फ्यूचर के बारे में जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसा है? मूविंग ई टेक्स्ट यानी कि स्क्रीन पे, जैसे स्टोरी में हमने पढ़ा कि उसके स्क्रीन पे फ्लैश होता था कि ये वाला चीज पढ़ना है आज हम लोग को, आज हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और कल का होमवर्क आप अपना प्रॉपर स्लॉट में डाल दो, जहाँ पे भी डालना होगा, पेन ड्राइव होगा या कुछ भी होगा उसमें करके वो लोग एंटर करते होंगे अपना, ये अपना होमवर्क एंटर करते होंगे उस मैकेनिकल टीचर में. तो ये चीज अभी नहीं हो रहा है, बट मूविंग ई टेक्स्ट यस, हम लोग अभी भी स्क्रीन के थ्रू, मूविंग स्क्रीन पे, मूविंग टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, है ना? तो
इस स्टोरी में जो जिस फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं राइटर, वो हम लोग कुछ लेवल तक आई थिंक उसमें एंटर कर चुके हैं, है ना? यस और नो? यस यस, ओके। और कुछ चैप्टर अच्छे से समझ में आया? तो हाँ इट वाज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज कंप्लीटली इमेजिनेशन पे बेस्ड है। फ्यूचर जब लिखा होगा इन राइटर ने जब ये चैप्टर स्टोरी लिखी होगी, उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा दैट यस, उनका जो थिंकिंग है, जो इमेजिनेशन है, वो कुछ लेवल तक सच में कंप्लीट हो पाएगा। एंड यस, वो तो दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे कंप्लीट हो पा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हारे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से क्या सही होता है, क्या सही होगा? अभी जो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन टीचर से या फिर मैकेनिकल टीचर से, जैसे मार्गी लोग पढ़ रहे थे, दोनों में से बेटर कौन सा है? बेटर तो ह्यूमन टीचर ही है। हाँ ह्यूमन टीचर बेटर है, ओके। बट एक चीज इंटरेस्टिंग तो लगा होगा कि वो लोगों को स्कूल नहीं जाना पड़ता था, वो लोग घर रूम के बगल में स्कूल रूम होता था। तो ये अच्छा है या बुरा? व्हाट डू यू थिंक? इज इट अ गुड थिंग टू लर्न अलोन इन अ रूम, और इज इट गुड टू लर्न विथ योर स्कूलमेट्स, योर फ्रेंड्स? नो What is more interesting? What is more interesting for you to learn alone? मतलब अकेले पढ़ना अच्छा लगेगा या फिर जैसे पहले अभी स्कूल्स हमारा चल रहा था वैसे ज्यादा अच्छा लगेगा? साथ में पढ़ना अच्छा लगता है, सब कुछ साथ रहते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए टीचर, ऐसे अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो यही सेम ये सिचुएशन मार्गी के साथ भी है। मार्गी इज लिविंग इन फ्यूचर, शी इज लर्निंग इन अ स्कूल रूम। वो एक स्कूल रूम में अपना अकेले पढ़ाई कर रही है, लेकिन वो क्या सोचती है जब बुक मिलता है तो उसको क्या, वो बुक में पढ़ने के बाद वो क्या सोचती है कि हाँ, उसके दादा जब बच्चे थे तो कितना अच्छा होता था कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, है ना? सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, फिर वापस घर जाते थे, सब एक दूसरे का हेल्प भी करते थे। तो ये चीज को वो सोच रही है, ये चीज उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मार्गी के मतलब मार्गी का जो थिंकिंग है, उससे ये चीज पता चल रहा है हम लोगों को कि अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा सच में होता है कि अगर कोई मैकेनिकल टीचर बच्चों को पढ़ाने लग जाए, देन क्या होगा, वो सिचुएशन कैसा होगा? वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। वो बच्चे उस टाइम मतलब उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे स्कूल को, है ना? जितना स्कूल को अभी हम सभी एंजॉय कर रहे हैं पढ़ना, अगर ये सिचुएशन होता है तो वो स्कूल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस स्टोरी से और मार्गी के स्टोरी से हम लोगों को ये चीज पता चलता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज का क्लास खत्म करते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट है। एंड देन येस्टरडे हम लोगों ने वो पढ़ा था पोएम द रोड नॉट टेकन। तो दोनों चैप्टर्स को एक बार आप खुद से पढ़ो, एंड देन कोई प्रॉब्लम अगर होता है देन विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके, थैंक यू।